तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द जो है हम स्किन इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की जो पूरी कहानी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम की जाती है जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। और हमेशा की तरह जो है हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके कंसेप्ट में ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी आए और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो देखिए, इसे दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन करें जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर दिलाएगा, और दूसरा तरीका होता है कि आप कंसेप्चुअली समझ ले, आप फील कर ले कि हाँ भैया ऐसा हो कैसे रहा है। पर हम जो है बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करके जो है इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और दोनों का ही मसाला डालेंगे और अपने तरीके से समझेंगे ताकि आपको मैक्सिमम यहाँ से जो है बेनिफिट हो। तो पहले तो जिन्हें नहीं पता है, इन शॉर्ट उन्हें बता दूँ कि ये दोनों इफेक्ट है क्या। देखिए, स्किन इफेक्ट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर से आप एसी करंट फ्लो करवा रहे होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवा रहे होते हैं, तो हमने ऐसा देखा कि भाई वो जो करंट है वो ज्यादा जो करंट है वो सरफेस से फ्लो हो रहा होता है, हमारे कंडक्टर के स्किन से जो है आइडियली फ्लो हो रहा होता है, और ना के बराबर जो है बहुत कम करंट जो है आपको कंडक्टर के सेंटर से फ्लो होते हुए दिख रहा होता है। यानी कि जो करंट डेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और इसी इफेक्ट को जो है हम स्किन इफेक्ट कह रहे होते हैं। तो ये होता क्या है ये तो आपको पता चल गया, और इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने मिला था ये भी हमने बताया था कि भाई स्किन इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है, यानी कि वो क्रॉस सेक्शन जहां पे ज्यादा करंट आपका फ्लो हो रहा होता है, वो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से जो है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से आपको पता ही है कि जो कॉपर लॉस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आर बढ़ रहा है तो आपका जो वी इक्वल टू आई आर है, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको देखने मिल रहा होता है। तो ये तो बातें थी आपकी स्किन इफेक्ट की, बट प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैसे इससे डिफरेंट होता है। तो देखिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में भी जो है आपका जो करंट डेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, पर वहां पे सरफेस पे आपका ज्यादातर करंट नहीं होता, वहां पे कंडक्टर के एक साइड से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है और दूसरी साइड से जो है कम करंट फ्लो हो रहा होता है। अब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में ये जरूरी है एक से ज्यादा कंडक्टर होना चाहिए, कम से कम दो कंडक्टर होना चाहिए, और तीन कंडक्टर होगा तो भी आपको ये इफेक्ट जो है देखने मिलेगा। पर सिर्फ एक कंडक्टर आपके पास होता है तो वहां पे सिर्फ आपको स्किन इफेक्ट देखने मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है आपको देखने नहीं मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के लिए जो है आपको दो कंडक्टर चाहिए आसपास जिसमें एसी करंट फ्लो करवा रहे होंगे, तो उसमें आपको स्किन इफेक्ट भी देखने मिलता है और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी आपको देखने मिलता है। अब देखिए, स्किन इफेक्ट के बारे में तो आपने देखा कि भैया क्या क्या दिक्कतें आपको देखने मिल रही थी, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की भी क्या कहानी है, सेम है। यहाँ पे जो है आपका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो है कॉपर लॉस बढ़ेगा, सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा, और फिर वोल्टेज रेगुलेशन भी जो है आपका खराब हो जाता है। ये सारी चीजें जो है हमने इस वाले वीडियो में जो है डिटेल में बात की थी। अब ये तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये होता क्या है, इसके वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें देखने मिलती है, पर ये इफेक्ट हमें देखने ही क्यों मिलता है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। अब देखिए, ये जो कहानी है वो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आराम तरीके से आपको समझ में आएगा, और इन दोनों का ही जो कोर आइडिया है कि आपको ऐसा देखने ही क्यों मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सेम है। कोर आइडिया मतलब जैसे अगर हम कहते हैं कि हर एक मोटर का जो कोर आइडिया है कि वो कैसे काम करता है, जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सेम है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये हर एक मोटर का कहानी है, चाहे आप एसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर की बात करें, इंडक्शन की बात करते हैं या सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, आगे का जो कहानी है आगे और पीछे का वो बदल रहा होता है। इंडक्शन में जो है ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात कर रहे होते हैं तो ये जो करंट है वो इंड्यूस होता है इंडक्शन की वजह से, इसलिए हम इसको इंडक्शन मोटर कह रहे होते हैं। डीसी मोटर में यही करंट जो है हम खुद फ्लो करवाते हैं, सिंक्रोनस मोटर में भी जो है हम खुद ही फ्लो करवा रहे होते हैं, बट जो कोर आइडिया है कि भैया ये काम कैसे करेगा वो सेम है। तो उसी प्रकार से हम चाहे स्किन इफेक्ट की बात करें, चाहे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात करें, उसका जो कोर आइडिया है कि भैया ऐसा जो नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो सेम है। और इस रीजन को भी जो है कॉमन सेंस से समझा जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि भाई कंडक्टर है उसके एक साइड से तो करंट फ्लो हो रहा है पर दूसरे साइड से जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है कि करंट आपका बहुत कम फ्लो हो रहा होता है, सोचिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई अगर करंट ऑपोजिशन आपका ज्यादा है तो करंट आपका कम फ्लो होता है, अगर करंट
को अपने रास्ते में ज्यादा रुकावटें मिलती है तो वहां से करंट ना फ्लो होकर के वो रास्ता से फ्लो होना ज्यादा चाहता है जहां पे उसको रुकावट, जहां पे उसको ऑपोजिशन कम मिलता है। तो एग्जैक्टली यही रीजन है। तो ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपको देखने क्यों मिलता है, वो इसलिए देखने मिलता है क्योंकि कंडक्टर के एक साइड का जो करंट ऑपोजिशन है वो दूसरे साइड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कंडक्टर के एक साइड का जो इम्पेडेंस है वो कंडक्टर के दूसरे साइड का जो इम्पेडेंस है उससे ज्यादा होता है। ये इम्पेडेंस क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, बट इन शॉर्ट जो है आप ऐसा समझिए कि जो ओवरऑल ऑपोजिशन होता है रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के वजह से उसे ही जो है हम इम्पेडेंस कह रहे होते हैं। ये रेजिस्टेंस से डिफरेंट होता है पर ये भी करंट का ऑपोजिशन को ही बता रहा होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो बस इतना समझिए कि भैया रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ है जो करंट को लिमिट कर रहा होता है, उसको अपोज कर रहा होता है। और अगर आप स्किन इफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे आपको पता है कि ज्यादातर जो करंट है वो सरफेस पे आपको दिख रहा था पर सेंटर में जो है बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई सेंटर में करंट ऑपोजिशन आपको ज्यादा देखने मिलता है, इम्पीडेंस ज्यादा देखने मिलता है एज कम्पेयर टू कि कंडक्टर के सर्फेस पे कितना इम्पीडेंस है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि इम्पीडेंस जो है बढ़ने घटने की वजह से इस तरह का इफेक्ट जो है आपको देखने मिलता है। पर मेन सवाल यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे एक ही कंडक्टर में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट इम्पीडेंस कैसे देखने मिल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? पर ऐसा क्या हो रहा है वो तो हम समझेंगे ही, पर ये किसके वजह से हो रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया वायर से या किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब चाहे वो एसी करंट फ्लो करवा रहे हो, चाहे आप डीसी करंट फ्लो करवा रहे हो, दोनों ही केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। पर जब आप एसी करंट फ्लो करवाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है उसका भी नेचर जो है पल्सेटिंग होता है आपके करंट की तरह। जैसे जैसे आपका करंट का वैल्यू बढ़ रहा घट रहा होता है उसी प्रकार से जो है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी जो है बढ़ रहा होता है और घट रहा होता है। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है एट द एंड जाकर के आपके इम्पीडेंस के वैल्यू को बदल रहा होता है। आखिरी में जो है आपको एट द एंड जो है रिजल्ट दिख रहा होता है कि भैया आपका जो इम्पीडेंस है वो चेंज हो रहा है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग का जो कहानी है वो समझ में आ गया और आखिरी का जो कहानी है वो समझ में आ गया। आखिरी का कहानी क्या है कि आपका जो इम्पीडेंस है वो चेंज हो गया और स्टार्टिंग का कहानी था कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वही कहीं ना कहीं ऐसा कर रहा है। अब देखिए ये कैसे कर रहा है ये तो समझ में आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, ऐसा क्या कर रहा है ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कि आपके इम्पीडेंस के वैल्यू को जो है चेंज कर दे रहा है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम दो कंडक्टर को कंसीडर करते हैं और ये दोनों ही कंडक्टर से हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है। मान लीजिए ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा होता है। अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में आप थंब को जो है पॉइंट करें और ये जो आपका फिंगर है, ये जो कर्व है, जिस डायरेक्शन में ये जो आपका फिंगर पॉइंट कर रहा होता है वही जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी कि इस तरीके से जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी कि यहां से अंदर की तरफ जाएगा और यहां से जो है बाहर की तरफ जाएगा। तो ये तो था आपका एक कंडक्टर का। इसके साइड वाला जो कंडक्टर है यहां भी करंट का डायरेक्शन ऐसे ही है, तो यहां भी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो यहां भी जो है आपका इस तरफ अंदर से जाएगा और यहां से जो है बाहर निकलेगा। तो यहां पे देखिए और एक चीज आपको बता दें कि भैया एक जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले कंडक्टर से लिंक करेगा और ये वाला कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले कंडक्टर से लिंक करेगा। और अगर आप सेंटर में देखेंगे यहां पर तो एक कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो वहीं दूसरे कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेगा, कम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, जो साइड साइड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है दोनों कंडक्टर के एक साइड का, वो भी कम हो जाएगा और इस दो साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है चूंकि वो सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पे कंडक्टर के इस साइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा वो बढ़ जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको, कंडक्टर के एक साइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो कम हो रहा है और उसी कंडक्टर का दूसरे साइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो ज्यादा हो जा रहा है। तो इससे होता क्या है, इससे होता यूं है कि अगर आपका फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा घटेगा तो आपका इंडक्टेंस भी जो है वो बढ़ेगा घटेगा। ये जो है आप इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। यहाँ पे साई जो है फ्लक्स लिंकेज है, आई जो है कितना करंट फ्लो हो रहा है आपके वायर से और एल जो है आपका इंडक्टेंस का वैल्यू है। और अगर इंडक्टेंस आपका बढ़ रहा है तो आपका जो एक्सएल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो बढ़ जाएगा। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका एक साइड बढ़ रहा है और दूसरे साइड कम हो रहा है, यानी कि आपका जो इम्पीडेंस है, क्योंकि इम्पीडेंस जो है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो बढ़ जाएगा। इम्पीडेंस यानी कि करंट का ऑपोजिशन जो है बढ़ रहा है घट रहा है। और यही सेम एक्सप्लेनेशन जो है आप स्किन इफेक्ट में भी दे सकते हैं कि कभी भी जो है अगर वायर से हमारा एसी करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो अपने और अपने चारों तरफ
जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, जिसका नेचर जो है अल्टरनेटिंग होता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज समझ में आ रहा है आपको कि कितना मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से लिंक कर रहा है, उसी को ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हम कह रहे होते हैं। तो कंडक्टर के कोर में सेंटर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर के बाहर उसके सरफेस में, ऐसा हमने देखा। जिसके वजह से फ्लक्स लिंकेज अगर ज्यादा होता है तो आपका इंडक्टेंस ज्यादा होगा, इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो आपका इंपेडेंस ज्यादा होगा। इसी वजह से जो है आपके स्किन इफेक्ट में हमने देखा कि ज्यादातर जो करंट है वो कंडक्टर के सरफेस से फ्लो हो रहा था, क्योंकि वहां पे इंपेडेंस आपका कम था, और सेंटर से जो है बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा था। जैसे आप सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं एक्सपोनेंशियली वो डीके हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे इंपेडेंस जो है बढ़ रहा होता है। अब क्यों बढ़ रहा होता है, ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए इन सबको अगर कंक्लूड करें, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ली जाती है तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वायर से जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दूसरे कंडक्टर से लिंक करता है। और यहाँ पे हमें नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज देखने मिलता है, जिसकी वजह से एक ही कंडक्टर में दो डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट रिएक्टेंस, डिफरेंट इंपेडेंस हमें देखने मिलता है। अब चूंकि कंडक्टर के एक ही क्रॉस सेक्शन के दो पॉइंट में इंपेडेंस डिफरेंट है, तो आपके करंट डेंसिटी भी जो है वहां पे डिफरेंट आपको देखने मिलेगा। और थोड़ा बहुत जो है स्किन अप्रॉक्सिमेटी इफेक्ट के हिसाब से अपने आंसर को कस्टमाइज कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपने पहली बार इंपेडेंस, रिएक्टेंस, फ्लक्स डेंसिटी ये सारी चीजें पहली बार आपने सुनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंपेडेंस वाला वीडियो पहले आप देखिए, फिर आकर के ये वीडियो देखिए, गजब का जो है आपको क्लैरिटी मिलेगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।